Hi kids, hello everyone and welcome to an Academy Topper channel. This is your favorite G Square और आज हम करने वाले हैं इकोलॉजी का पहला सबसे बड़ा चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. तो इस चैप्टर के लिए कौन कौन एक्साइटेड है मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो. आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी से करेंगे क्योंकि ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता इकोलॉजी में. शायद बहुत सारे आपको बड़े बड़े पोथे पढ़ाते होंगे कि हम इकोलॉजी एक्सपर्ट है, बट बिल्कुल आपको एक्सपर्ट नहीं बनना. आपने बस उतना ही करना है कि आपका नीट क्लियर हो जाए बस. ठीक है बच्चों, हमें उतना ही पढ़ना है कि हमें बस नीट क्लियर करने से मतलब है भाई नीट में अच्छी रैंक आ जाए, अच्छा सिलेक्शन हो जाए. इससे ज्यादा अपन को कोई मतलब नहीं रखना चाहिए एग्जाम में. क्या कहते हो, अलाइंड हो या नहीं हो? बिल्कुल बात समझ में आई नहीं आई? आज मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि जिस बच्चे को ये चैप्टर याद नहीं होता है उस बच्चे को किसी ना किसी गंदी से गंदी ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको ये चैप्टर आज याद करा के भेज दूं. बस माय ओनली टारगेट फॉर दिस सेशन इज कि बच्चे को भाई समझ आ जाएगा, उसको सब पता है कि क्या होता है ऑर्गेनिज्म माने हम, ठीक है, पॉपुलेशन माने हमारा जुट, ठीक है, उसको सब पता होता है. बट बात ये कि उसे याद नहीं रहता. इकोलॉजी का सबसे बड़ा जो बच्चे को प्रॉब्लम आता है, मैम याद कैसे करें, इसके ट्रू फॉल्स कैसे पकड़े, मैम याद ही नहीं रहता. यस, मुझे अपनी तीसरी चौथी गर्लफ्रेंड का नाम याद आता. चौथी गर्लफ्रेंड से याद आया, वहां तक तो बात पहुंची नहीं कभी. हाँ तो बेटा बेसिकली मेरा ये टारगेट है कि मैं आज की क्लास में आपको ये चैप्टर याद करा के भेज दूं, दैट्स इट. ठीक है, अब आते हैं इसकी वेटेज पे. अराउंड आप मान लीजिए कि यहाँ पे दो क्वेश्चन तो परमानेंटली इस चैप्टर से आते ही आते हैं. सबसे बड़ा चैप्टर है इकोलॉजी का, दो से तीन क्वेश्चन भी हो सकते हैं. ठीक है, यस, दो से तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं नीट एग्जाम में. तो 8 नंबर तक का हम कोशिश करेंगे कि आज पढ़ के जाए. क्या कहते मेरे बच्चों, चलो आ जाते हैं. याद नहीं होता ना, आई नो, उसी के लिए तो जी स्क्वायर मैम आती है कॉलेज ही पढ़ाने. आई नो मेरे बच्चों, आई नो. तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं. आज एनसीईआरटी हाईलाइट 2.0 चलेगा. ठीक है, आज एनसीईआरटी हाईलाइट 2.0. मुझे एक एक लाइन याद करानी है. कई बार बच्चे ना नोट्स पढ़ने के चक्कर में एनसीईआरटी लाइंस पढ़ना भूल जाते हैं. तो आज चलेगा एनसीईआरटी 2.0. मैम आज का टारगेट कंप्लीटेड. ये अलग एक्साइटेड रहते हैं अपने टारगेट्स को लेके. ये बच्चे क्या होते हैं ना, ये वो एक बच्चे होते हैं, अच्छा सुबह 5 बजे टारगेट आए, डेली टारगेट, चलो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, फिर उसके बाद ना पूरा दिन क्लास करेंगे. ये वो एक्साइटेड बच्चे. और एक दूसरे तरह के बच्चे होते हैं, टारगेट है रात में करेंगे कंप्लीट, क्योंकि कल सुबह आएगा ना, अभी तो रात बाकी है, जाम बाकी है ना. तो ये वो वाले एक्साइटेड बच्चे, कोई नहीं, बट इट्स गुड जॉब. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें लेके प्रभु का नाम. चलिए जय माता दी रॉक्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. बेहतरीन सेशन होने वाला है. ठीक है, यस, चलिए आ जाओ. आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटेटिंगली, फैसिनेटिंगली क्या लिखा है, एक तो मैं पढ़ लूं पहले, फैसिनेटिंगली. ठीक है, मतलब पढ़ने में बहुत अजीब लग रहा है. डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है फैसिनेटिंग भी है, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स भी है एट द सेम टाइम. ठीक है, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्या कहती है, हम कहां से बनना शुरू हुए. ठीक है बेटा, हम कहां से बनना शुरू हुए, दिस इज द एनसीईआरटी व्हाट इज इट इज ट्राइंग टू से. तो हम शुरू हुए मैक्रो मॉलिक्यूल, सबसे पहले हम शुरू हुए एटम से. ठीक है, एटम आप समझते हो कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल वगैरह पढ़ते हैं. एटम से क्या बने होंगे हमारे कंपाउंड्स, क्या बने होंगे बच्चों हमारे कंपाउंड्स. ठीक है, ये कंपाउंड से हमारे क्या बने होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ये आपस में क्या बन के मिले होंगे, यस, ये बनाए होंगे इन्होंने मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं पहला सेल, पहला लिविंग स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं सेल. दिस इज आवर फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर विच वी कॉल एज सेल. यही जब सेल्स बहुत सारे इकट्ठे होके एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज टिश्यू. उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम टिश्यूज बोलते हैं. यही टिश्यूज आगे जाके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. और यही ऑर्गन्स आगे जाके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम से याद आया, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हैं. और ये सब सारे सिस्टम जब एक साथ एक ही शरीर में आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म. क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल दिस एज ऑर्गेनिज्म. तो इस तरीके से बने हमारा ऑर्गेनिज्म. ये सिंगल है अभी, क्या है, ये सिंगल है. ठीक है बच्चों, यही ऑर्गेनिजम्स आगे जाके क्या बनाते हैं, यस, क्या बनाते हैं, जब एक जैसे ऑर्गेनिज्म जब मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दे मेक व्हाट, पॉपुलेशन.
क्या बनाते बच्चों, दे मेक पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक ग्रुप है जहां पे सेम टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेम टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है पॉपुलेशन में? सेम टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है सेम टाइप ऑफ स्पीशीज, सेम टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होगी तो उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की दूसरी खासियत क्या है कि आपस में आप इंटर ब्रीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? आपस में इंटर ब्रीडिंग हो सकती है क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। तो पॉपुलेशन का हर मेंबर आपस में क्या कर सकता है? इंटर ब्रीड कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन जब बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉपुलेशन मिल जाती है तो उससे क्या बनता है बच्चों? जब बहुत, मान लो कि आप रह रहे हैं, आप एक कॉलोनी में रह रहे हैं, ठीक है। मान लो कि डॉक्टर हर्षिता रह रही है, ठीक है। वहां पे एक पॉपुलेशन गाय की है जहां पे गाय आपस में हूं, ठीक है। एक कुत्तों की पॉपुलेशन भी हो सकती है जहां आपस में वाह वाह, ठीक है ठीक है। एक पॉपुलेशन बिल्लियों की भी हो सकती है, मी मी, ठीक है। तो बहुत सारी जब पॉपुलेशन आपस में एक साथ मिलके रहने लगती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एज कम्युनिटी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन में सिंगल स्पीशीज था बट कम्युनिटी में मल्टीपल स्पीशीज है। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? क्या होगा? मल्टीपल स्पीशीज। तो यहाँ पे जब अलग अलग स्पीशीज आपस में रह के आपस में इंटरैक्ट करती है, जैसे मान लो कि जेने से बोला डॉगी डॉगी हुर, तो डॉगी और जेनिस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स कम्युनिटी। व्हेन यू हैव अ कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल स्पीशीज यू फॉर्म व्हाट? यू फॉर्म कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी के बाद क्या होता है? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल आफ्टर कम्युनिटी? अब कम्युनिटी के बाद क्या है? जब हम बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ बातचीत करने लगते हैं, जैसे कि मान लो कि पवन के पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो वो अपना बॉटल पकड़ता है और कहता है आज मैंने डेली टारगेट कंप्लीट कर लिया, पर मैंने ना आज क्वेश्चन नहीं लगाए, बट मैंने टारगेट तो कंप्लीट किया है ना, बताओ। यस, सो व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद एबायोटिक फैक्टर्स, दिस इज व्हाट यू कॉल इको सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे इको सिस्टम। तो इकोसिस्टम वो है जहां पे किस किस के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है? बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में, जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जब बहुत सारे इकोसिस्टम, आई रिपीट, जब बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज बायोम। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज बायोम। तो बायोम की बात है, इंडिया में कितने तरह के हैं जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, अभी करेंगे एक डायग्राम आएगा उसमें पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो बायोम बनते हैं, जब बहुत सारे इकोसिस्टम बनते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे बायोम्स बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब बहुत सारे, दुनिया के सारे बायोम्स इकट्ठे हो जाते हैं तब जाके बनता है हमारा बायोस्फियर। क्या बनता है हमारा? बायोस्फियर। तो इस तरीके से हमारा पूरे धरती पे ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है ऑर्गेनिजम्स की और इन सब तरीकों की, ठीक है बच्चों। अब आते हैं इसको पढ़ते हैं एक बार। नाउ वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रो मॉलिक्यूल से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम। यही हमने पढ़ा बच्चों। नाउ एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब आप दो सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं एनसीईआरटी से, मेरे से कोई नहीं पूछेगा एनसीईआरटी से, ठीक है। ओके, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग, बाय गॉड आज तक मैंने बुलबुल की आवाज तो सुनी नहीं, मैंने हमेशा ये एक एक आवाज सुनी है, अरे कब उठेगी, सूरज चढ़ चुका है, काम करना है नहीं करना है, ठीक है, हमेशा ये आवाज सुनी है मैंने, ठीक है। हाउ डज द बर्ड सिंग, ये कैसे कैसे होता है बेटा? व्हाई डज द बर्ड सिंग, क्यों क्यों बोला जाता है हमसे ये? हाउ टाइप क्वेश्चंस, मैकेनिज्म कैसे है ये सब, क्योंकि जो बर्ड होती है ना उसके पास एक वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है बेटा। इस वॉइस बॉक्स को हम सीरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सीरिंग्स कहते हैं इन केस ऑफ बर्ड्स। यहीं से उसकी सुरीली आवाज आती है जिससे वो कम्युनिकेट करती है अपने बाकी सारे एनवायरमेंट के साथ, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म,
बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इट्स फिजिकल एनवायरमेंट. तो व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी वो है जहां पे मैं एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रही हूँ, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रही हूँ, उनके बीच में इंट्रैक्शन, एंड ऑर्गेनिज्म एबायोटिक के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है ये भी मैं इकोलॉजी में पढ़ रही हूँ. दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी. अब आते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक पे, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट. आ जाओ भाई. चले, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल, हे भगवान खतरनाक शब्द ऑलवेज, ठीक है, इज एसेंशियली फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड. देखो बेटा, इस वाले में हम ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड है टू डिफरेंट कंडीशन. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वेरिएशन हो सकती है टेम्परेचर की, ठीक है, सीजन्स की हो सकती है, प्रेसिपिटेशन की हो सकती है, कितनी रेनफॉल होगी, कितना डेजर्ट है, कितना रेन फॉरेस्ट है, कितना टुंड्रा है. अब यहाँ पे पांच तरह के, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितने तरह की वेरिएशंस दी हुई है, क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम दिस ग्राफ, कितने तरह की वेरिएशन बोर्ड पे दी हुई है, ठीक है. आइए सब देखते हैं. डेजर्ट वन, ग्रासलैंड टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, छह तरह के वेरिएशंस यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, कितने, छह तरीके के. नाउ नंबर टू, क्या होता है डेजर्ट? डेजर्ट वो जगह होती है जहां पे सिर्फ मिट्टी होती है. डेजर्ट से याद आया सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा हमारा? सहारा डेजर्ट. जो दूसरा डेजर्ट है जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट है उसका नाम है थार डेजर्ट, ठीक है बच्चों. अगर इस डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट वो एरिया होता है जहां पे बेहद गर्मी होती है, जहां पे सूखा पड़ा रहता है, यानी कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, प्रेसिपिटेशन ज्यादा या कम, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में. तो अगर हम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे रेनफॉल, स्नोफॉल तो खैर होगी ही नहीं, रेनफॉल जो होगी वो बेहद कम होगी. तो एनुअल प्रेसिपिटेशन अगर हम देखें तो ये देखिए 50 से भी बेहद कम है. तो सबसे कम इनमें से जो एरिया है जहां पे सबसे कम बारिश होती है उसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो चैट बॉक्स में. अगर मान लो कि नीट में क्वेश्चन आ गया कि सबसे कम बारिश, लीस्ट रेनफॉल कहां पे होती है, तो मेरे बच्चे आंसर क्या दे के आएंगे? बच्चे आंसर देकर आएंगे डेजर्ट. क्या आंसर देकर आएंगे? डेजर्ट. डेजर्ट वो जगह है जहां पे सबसे कम बारिश हो रही है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड. ग्रासलैंड मतलब कि जंगल, खूब बड़े बड़े जंगल हो गए, ठीक है, ठीक है. आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, यानी कि ये हमारे कोल्ड रीजन्स है. क्या हमारे? कोल्ड रीजन्स, ठीक है. फिर कोनीफेरस फॉरेस्ट हो गए, जहां पे कोल ऐसे ऐसे वाले पेड़ होते हैं. टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए, जो बेसिकली कहां पे होंगे, मान ली चाइना साइड हो गए, ठीक है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर के पास. तो अब जब हम इन बाकी सबको देखते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है. तो अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो कहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल हो रही है, चलिए जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे यस यस हाँ, इस तरीके से मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. तो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया हमारा आंसर, जहां पे मैक्सिमम क्या हो रही है? रेनफॉल. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से याद आया कि जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है हमारी धरती का, उसका नाम क्या है? व्हाट इज इट्स नेम बच्चों? उसका नाम है अमेज़न फॉरेस्ट. और ये जो फॉरेस्ट है ये ब्राजील में है, और इस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होती है, इसलिए आई थिंक यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, अच्छी खासी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है. अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, टेम्परेचर. किस एरिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है? तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें, ये देखिए इस तरीके से लाइन बनाएंगे सब बच्चे. अब इस, आपको लगेगा कि डेजर्ट में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, शायद आप आंसर ये भी लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस तरह के एरिया में है? यस, ग्रासलैंड. हर्षिता वेरी गुड. तो इसको हमें याद रखना है कि ग्रासलैंड वो एरिया है जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है बच्चों. तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखते हैं. अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे फिर से पूछती हुई कि बेटा, अगर क्वेश्चन आ गया कि टेम्परेट फॉरेस्ट रिसीव्स रिसीव्स मोर रेनफॉल एज कंपेयर टू कोनीफेरस, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अब ये ग्राफ स्टडी कीजिए,
और मुझे बताइए, अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि टेम्परेट फॉरेस्ट ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है एज कंपेयर टू कॉनिफेरस, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, क्या है आंसर? फॉल्स। अरे बट्टे जैसी आंखों वालों, कम से कम एनसीईआरटी ढंग से देख लिया करो। हाँ नहीं, खुशी आज नहीं होगी, तुम्हारे पास नोट्स है तो खुशी, और कितने नोट्स चाहिए तुम्हें कॉलेज के बताओ। हाँ फॉल्स। ये ट्रू वाले देखो, ये अलग ही लेवल पे मचा रहे हैं आज क्लास में। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो अगर तुम्हें ग्राफ रीड करना नहीं आता है तो मुझे बता दो, क्योंकि इसका आंसर तो फॉल्स है भाई लोगों, इसका आंसर क्या है? फॉल्स। तो एक ही पर्टिकुलर डायग्राम से मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बना के दे दिए। ऐसे ही नीट इकोलॉजी में हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाता है। समझ आया कि मैम कैसे क्वेश्चन बना रही है, कैसे इकोलॉजी पढ़नी है? ऐसा नहीं कह रहे ये तो इसमें तो क्या है, इसमें तो कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता, चलो आगे चलते हैं। इसलिए हमसे इकोलॉजी में गलतियां होती है, क्योंकि हम हर एक चीज ढंग से पढ़ते ही नहीं है इकोलॉजी की। ठीक है बच्चों, तो इसलिए एक-एक शब्द, एक-एक लाइन एनसीईआरटी की दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इकोलॉजी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ रीजनल लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। अब यहां से एक वर्ड आया है हैबिटेट। इस हैबिटेट का मतलब क्या है? हैबिटेट वो एरिया होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, सो व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ये यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसे हिंदी में वास कहते हैं, वास करता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नाउ मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कमिंग फॉर नीट एग्जाम। 4 मेजर बायोम्स हैं इंडिया के, जिसमें पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया का कहाँ पे लोकेटेड है? मेघालय में। कहाँ पे लोकेटेड है बच्चों ये? मेघालय में। ठीक है, वहीं पे दूसरी अगर बात करें, नेक्स्ट वे है डेसिडुअस फॉरेस्ट, तीसरा है डेजर्ट, चौथा है सी कोस्ट। ठीक है, अब यहां पे इसको याद कैसे करें? DST। ठीक है, GST तो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, ये क्या है? डरावना सर्विस टैक्स। तो पहला क्या है? डेजर्ट। पहला क्या है? डेजर्ट। दूसरा क्या है हमारा? सी कोस्ट। दूसरा हमारा क्या है? सी कोस्ट। और टी हमारा क्या है बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। और चौथा हमारा कौन सा है? डी से डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन सा हमारा? डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा डरावना सर्विस टैक्स यानी कि DST। तो यहाँ पे 4 हमारे बायोम्स है, अगर हमें याद रहेगी ट्रिक तो बहुत आसानी से हम नीट में इसका आंसर दे देंगे। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारे पास 4 बायोम्स है। ठीक है, ना यहाँ पे अगर हम देखें राजस्थान डेजर्ट सबसे ज्यादा आपको पता है गर्मी है, रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट यह भी मैंने लिखा है, डीप ओशन ट्रेंचेस लाइक मरीना ट्रेंच हो गए, टोरेंशियल स्ट्रीम्स हो गई, परमा फ्रॉस्ट हो गए, स्नो लेडन पोलर रीजन हो गए, हिमालय जैसे हो गए, इवन आर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। इतना पार्ट सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। मैम STDs कैन ऑल्सो बी वन, क्या बात है उर्वा, ये होते हैं बच्चे। यस हाँ ये होते हैं बच्चे, कह रहे हैं मैम STD से याद करा दो। देख रहे हो, मतलब मैं क्या बताऊं, इन्हें ट्रिक्स बनाना आ चुका है। आई एम सो प्राउड ऑफ, मतलब ऐसे बच्चे मुझे मिल जाते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। अब मुझे लग रहा है कि हर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि हमें ट्रिक्स कैसे बनानी है और इसे कैसे याद रखना है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। STDs, क्या बात है, बच्चे ने ट्रिक बना ली STDs, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बेटा अब तुम क्या है ना, अब बस मोक्ष लेने का समय आ चुका है मैम का, मोक्ष, अब तो मैं मोक्ष की तरफ बढ़ रही हूँ बस। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू सो मच ऑफ वेरिएशन। भाई क्यों इतनी वेरिएशन हो रही है, कभी तुमने सोचा है क्यों इतनी वेरिएशन हो रही है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर, क्यों इतनी वेरिएशन हो रही है? क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रही है। पहली चीज क्या बदल रही है? टेम्परेचर। ठीक है, आपने देखा होगा सर्दी और गर्मी के कपड़ों में वेरिएशन आ जाता है, बट जो चीज नहीं बदलती है वो क्या है? जो अमीर लड़कियां होती है ना, बाया बाया, आप देखेंगे सर्दियों में बस एक सॉक्स पहन लेती है, वो भी दिखती नहीं है। ठीक है, और गर्मियों में विदाउट सॉक्स, मतलब देख लो टैलेंट है। अगर उनको छोड़ दिया जाए
तो बाकी सब देखो उनके कपड़ों में चेंज आ जाता है क्योंकि ना टेम्परेचर फील होता है। ठीक है, आप करते हैं वाटर की बात। वाटर आपको पता है कि आजकल तो महंगा महंगा पानी आता है, इवियन का 200-250 रुपए का पानी आता है। काला पानी भी पी रहे हैं आजकल लोग, पहले लोग काला पानी से बचते थे, आजकल लोग काला पानी पी रहे हैं, 750 रुपए का आता है, बाप रे। फिर आती है लाइट। ठीक है, लाइट की बात कर दो, आज देखो दिन में भी उजाला, रात में भी उजाला, हर टाइम उजाला ही उजाला। फिर आती है सॉइल, मिट्टी। आजकल मिट्टी की इतनी वेरायटी आती है, जब भी कोई पेड़ लेने जाओ पहले खाद लेके आ जाता है कि भाई खाद में उगा लो, मेरा मिट्टी में उगता है पेड़ या खाद में उगता है। ठीक है, तो कितनी सारी वैरायटी आती जा रही है ना बच्चों। तो ये जो चार फैक्टर्स है ना, ये चार फैक्टर्स ऐसे जिससे एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए वो इन चारों के ऊपर इनको लेकर अडैप्ट करता है। ठीक है, नाउ वी मस्ट रिमेम्बर दैट द फिजियोकेमिकल कॉम्पोनेंट्स अलोन डू नॉट कैरेक्टरिस्टिक द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑल्सो। अब आप कहाँ रह रहे हो, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स भी है, जैसे कि मान लो पैथोजेंस, अगर एक जगह बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा है जिसके कारण बहुत ज्यादा डेंगू हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप वहीं रहोगे, बस एक नेट लगा लोगे, है ना। मच्छर के कारण तुमने एक घर में नेट लगा ली, चेंज तो हुआ ना, तुमने अडेप्ट किया ना, यही तो वो कह रहे हैं एनजीटी, यही तो कह रही है कि हर मच्छर के सीजन में हम अपने बेड के आसपास एक बड़ी सी नेट लगा लेते हैं और फिर उसके अंदर घर घर खेलते हैं, है ना बच्चों। फिर आते हैं पैरासाइट्स, अगर बहुत ज्यादा पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम चीजों को उबालना शुरू कर देंगे, जैसे कि हमारी गोभी, गोभी के अंदर जो पैरासाइट निकलता है वो सीधा ब्रेन पर अटैक करता है ना, तो उसको उबालना शुरू कर देंगे, बट खाएंगे जरूर क्योंकि मंचूरियन में डलता है। प्रीडेटर्स, अगर आपको दिख रहा है कि मम्मी पापा निकल गया, अगर आपको पता लग रहा है कि प्रीडेटर आसपास है तो आप भागने की कोशिश करेंगे, है ना। कॉम्पिटिटर्स, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आप बचने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें, ये कांस्टेंट इंटरेक्शन जो है ना, इसके कारण वेरिएशन आती है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है बच्चों, सो ईच ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट। बेटा एक सीमा के बाद दूसरी तक बात नहीं पहुंचती, मतलब एक सीमा मतलब लिमिट, तुम गलत मत लेना मेरी बात को, एक लिमिट के बाद हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज नीशे। तो एक ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजी में क्या फंक्शनल रोल है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज नीशे। क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम कहते हैं नीशे। तो हैबिटेट वो होता है जहां पे हम रह रहे हैं, बट नीशे वो है जहां पे हमारा फंक्शनल रोल हो रहा है। समझ लगा या नहीं लगा, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस, चलिए आइए अब आते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। अब यहाँ पे चार फैक्टर्स अपन डिस्कस करेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। पहला जो हमारा फैक्टर है दैट इज आर टेम्परेचर। पहला फैक्टर कौन सा है हमारा, टेम्परेचर। नाउ व्हाई टेम्परेचर इज इम्पोर्टेंट, चलिए आइए पहले कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी, बाकी के पॉइंट्स तुम बताओगे। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। Why temperature is important? Because हमारी बॉडी के एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, सो एंजाइम्स आर व्हाट, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। तो जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी 2x होगी। कितनी होगी, डबल होगी एक्टिविटी। अगर हम 10 डिग्री तक टेम्परेचर को घटाएंगे तो हमारी एंजाइम की एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसलिए तुम सर्दियों में आलस फैलाते हो, रजाइया से निकलने का मन नहीं करता है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, बट एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद, सीमा समझो ना, लिमिट की बात हो रही है। यस, एक सीमा के बाद अब अगर हमने इसे और हीट करने की कोशिश की तो एंजाइम क्या हो जाता है, डी नेचर। एंजाइम क्या हो जाता है, डी नेचर, यानी कि ना वो फंक्शनली सही रहेगा ना ही वो स्ट्रक्चरली। ठीक है, वहीं पे अगर आपने बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया तो एंजाइम क्या हो जाएगा बच्चों, इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे कि जैक भैया, जैक रोज, जैक टाइटैनिक। ठीक है भैया, दीदी इतनी सही थी, दीदी ने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, पानी ठंडा, अपन ऊपर रहेंगे, जैक भैया आप जम जाओ। ठीक है, फिर कुछ सालों बाद जैक भैया निकले, ठीक है, और उनको नॉर्मल टेम्परेचर मिल गया, देखिए आज जिंदा है वो, आज वो जिंदा है। क्यों जिंदा है, जैक, व्हाई द जैक इज स्टिल लिविंग, बिकॉज़ बेटा इनएक्टिव हुए थे वो,
वो मरे नहीं थे, ठीक है, अब वो बदला ले रहे हैं दीदी से, ठीक है। अब आ जाओ, सो टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली, हर सीजन टू सीजन ही वेरी करता है, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स, यानी कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारे क्या है, पोल्स है, तो टेम्परेचर यहां से यहां क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज टू हाई ऑल्टीट्यूड्स मोर देन 15 ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। तो यही रीजन है, जैसे ही गर्मी आएंगे, अभी सारे दिल्ली वाले हर वीकेंड पे शिमला, मनाली, रोहतांग, ठीक है, सब जगह जाना शुरू कर दिए, नैनीताल, आपको सिर्फ दिल्ली वाले दिखेंगे क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, इसीलिए। नाउ देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग्स। थर्मल स्प्रिंग्स क्या होते हैं, जब गर्म पानी धरती से निकल रहा होता है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का तो एवरेज टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ के एंजाइम्स का एक एग्जाम्पल हम बायोटेक में करते हैं। बायोटेक में एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, क्या नाम है बच्चों उसका, थर्मस एक्वेटिकस। ये वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, उस थर्मोस्टेबल का नाम क्या है एंजाइम का, टैग पॉलीमरेज, क्या नाम है, टैग पॉलीमरेज, ठीक है, यस, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। नाउ इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी, मतलब कि जो हमारे मैंगो है वो सिर्फ ट्रॉपिकल यानी कि इंडिया जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठंडे इलाकों में ग्रो नहीं कर सकते हैं, इसलिए जितने भी अच्छे आम होते हैं वो सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं। हमें जो आम मिलते हैं इंडिया में वो गलगले टाइप मिलते हैं जिन्हें पकाया जाता है पाउडर के अंदर। कभी तुमने आम का छिलका ऐसे खाया है, खांसी लग जाती है इतनी बुरी तरह, ऐसे लगता है गला बाहर आ जाएगा, क्योंकि सारे अच्छे तो एक्सपोर्ट कर देते हैं कनाडा और जर्मनी में, वहां के लोग फिर स्लाइस की एड बना रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। स्नो लेपर्ड्स, अब आप कहोगे स्नो लेपर्ड यहाँ पे ले आओ, पॉसिबल नहीं है ना, सिर्फ लेपर्ड लेकर आ सकते हैं हमारे मोदी जी, बट स्नो लेपर्ड कैसे लाए, है ना, आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। टूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन। यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर पे एक और चीज देखनी है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूरीथर्मल और दूसरे कौन से होते हैं, स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल वो होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर पाते हैं, झेल पाते हैं। किसको झेल पाते हैं बच्चों, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल पाते हैं, इसलिए हम इसे यूरीथर्मल कहते हैं। वहीं पे स्टीनोथर्मल कौन से होते हैं, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल पाते हैं, मतलब थोड़ी सी भी गर्मी हुई तो दीदी को पसीना छूट जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, दीदी को पसीना छूट जाता है क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेम्परेचर से क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनके बीच का कोलिजन बढ़ जाएगा, दिस इज व्हाट हैपेंस, और इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नाउ ओके, द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट मेटाबॉलिक एक्टिविटी अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर झेलेगा उसे क्या कहेंगे, यूरी थर्मल, क्या बोलेंगे उसे बच्चों, वी कॉल इट एज यूरी थर्मल। जो नैरो रेंज को झेलेगा उसे क्या कहेंगे, स्टीनो थर्मल, क्या बोलेंगे उसे, स्टीनो थर्मल। तो इट इज दिस टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑर्गेनिज्म। समझ में लगा बच्चों, जल्दी बताओ। चलिए अब आगे चलते हैं वाटर, लेट्स मूव ऑन टू वाटर। वाटर कितना जरूरी है अभी तुम्हें पता ही है, अगर पानी ज्यादा नहीं पियोगे तो चेहरे पे क्या हो जाएंगे, सारे दाने दाने आ जाएंगे, क्लियर स्किन नहीं रहेगी। पानी बहुत जरूरी होता है बेटा, वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, ठीक है, तो पानी जीवन का असली सत्य है। अब इसकी जो अवेलेबिलिटी है डेजर्ट्स में वो बेहद कम होती है, जबकि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में पानी बहुत है, ठीक है, वैसे अब तो कम हो रहा है क्योंकि रिवर्स हम गंदी कर रहे हैं, वैसे पानी बहुत है क्योंकि रिवर्स बहुत है, ठीक
ठीक है ना? यस। अब यहाँ पे अगर हम देखें, द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो जितने भी प्लेन्स एरिया है जो गंगा के आसपास है, सबसे ज्यादा खेती यहीं पे होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी यहाँ अवेलेबल है, और प्लांट उगने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है। इसलिए नाउ यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, लेक्स, रिवर शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आपको लगता होगा मछली तो पानी में रहती है, मछली को पानी की कभी कमी नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। एक राइट पीएच का पानी की उसे कमी हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ इट इज नॉट ट्रू फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, द क्वालिटी, केमिकल कॉम्पोजिशन, पीएच, वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी पर 1000 इज लेस देन 5 इन इनलैंड। तो अगर इनलैंड वाटर्स की बात करें तो यहाँ पे लेस देन 5 रहेगी, लेस देन 5 इनलैंड वाटर्स में सैलिनिटी। वहीं पे 30 to 35 किस में रहेगी? सी में रहेगी। मोर देन 100 किस में रहेगी? हाइपर सलाइन लगून्स में, जहां पे बेहद सॉल्ट रहेगा। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ व्हाट? सेलेनिटी। उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज यूरीहेलाइन। जो ज्यादा सेलेनिटी नहीं झेल पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज स्टीनोहेलाइन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये सारे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। लाइट। नाउ व्हाई लाइट इज इंपॉर्टेंट? लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, क्योंकि इसी लाइट के एक्सपोजर से होता है फोटो पीरियडिज्म, यानी कि फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। ये तो हमें पता ही है, फोटो पीरियडिज्म अफेक्ट करता है। इसी की क्वांटिटी पे होते हैं हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रल डे प्लांट, जिन पे लाइट का कोई असर ही नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इट ऑल्सो अफेक्ट्स अ ब्रीडिंग, एक ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, लगून क्या होता है बेटा? देख, ऐसे सवाल मत पूछ, ज्योग्राफी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। लगून्स ब्रैकिश वाटर होते हैं, केरला में होते हैं, मतलब कि समुद्री पानी ना थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसे लगून कहते हैं। मेरे को ऐसा समझ में आता है। यस, मेरे को ऐसा समझ में आता है। बाकी बेटा इतना दिल पे लेके मत पढ़ो। हाँ पढ़ लो इतना दिल पे लेके। यस हाँ, ठीक है बच्चों, आ जाओ। लाइट, लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो हमको पता ही है। इसी से फोटोसिंथेसिस होता है, और जो लाइट की रेंज है, पार जहां से फोटोसिंथेसिस होता है, इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है बच्चों, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफ्स, जो खाना ही खुद बनाते हैं लाइट की हेल्प से। स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडैप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली अंडर वेरी लो कंडीशन, बिकॉज़ दे आर कांस्टेंटली ओवरशैडोड बाय टॉल। तो जो हमारे फॉरेस्ट है, जहां पे स्ट्रैटिफिकेशन है, जहां पे छोटे प्लांट्स है, उनको ऑप्टिमम अमाउंट में लाइट नहीं मिल पाती, तो वो कम लाइट में ही अपना खाना बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लावरिंग, यानी कि अगर इतना पीरियड ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट होगा तभी फ्लावरिंग होगी। फॉर मेनी एनिमल्स टू, लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज अ डायर्नल एज सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी ड्यूरेशन फोटो पीरियड एज क्यूज फॉर टाइम फॉर फॉरेजिंग। अब देखो फॉरेजिंग, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। अगर आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शेर देखना है, टाइगर देखना है, शेर देखना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? मैं बताती हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो आप सुबह जाइए, वो पानी पीने आता है, ठीक है। अब अगर शेर सुबह पानी पीने आ रहा है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि उस टाइम पे हिरन खाना खाने नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है इस टाइम पे शेर एक्टिव है ना। यस, तो ऐसी चीजें टाइमिंग फिक्स होती है। तो अब उसे पता है सुबह का टाइम है, यानी शेर पानी पीने आएगा, मुझे यहाँ नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे वो सो रहा होगा कड़ी धूप में, अब मैं जा सकता हूँ। तो यानी कि वो धूप की इंटेंसिटी से पता लगाते हैं कि भाई उन्हें कब खाना खाने जाना है। तो इस तरीके से इनका पैटर्न डिसाइड हो जाता है। इसलिए लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉरेजिंग एक्टिविटीज आल्सो, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर, सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। अगर हम 500 मीटर डीप चले जाएंगे ओशन में, तो एनवायरमेंट डार्क हो जाएगा, वहां पे रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। द यूवी कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म, वाइल द कलर कॉम्पोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा इज नॉट हार्मफुल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेड एल्गी, तो जो सबसे ज्यादा नीचे हमें मिलती है वो रेड एल्गी मिलती है, क्योंकि उसके पास एक पिगमेंट होता है जो उसे डार्क कंडीशन में भी खाना बनाने के लिए अलाउ करता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट।
करेक्ट मीनिंग ऑफ रेजिंग, खाना खाना। यस आज तो मैं एनसीईआरटी हाईलाइट करा रही हूँ। इकोलॉजी में नोट्स बनवाने का कोई मतलब मतलब नहीं है भाई। सॉइल, अब सॉइल पे आते हैं। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखो बेटा सॉइल का क्या होता है, अगर सॉइल का पार्टिकल साइज बड़ा है, अगर सॉइल का पार्टिकल साइज बड़ा है तो ये सॉइल एरी होगी, पर इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। क्या कम होगी इसकी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम होगी। बट अगर यही सॉइल का पार्टिकल छोटा छोटा है तो ये वाली जो सॉइल है, जैसे कि चीनी चिकनी मिट्टी होती है जैसे हम घड़े बनाते हैं, तो ये लेस एरी होगी बट इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेहद ज्यादा होगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ द सॉइल, तो जो सॉइल है उसके अंदर जो कंकड़ है उसका साइज भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि वो किस तरह की ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर देखिए, सॉइल सच एज सॉइल कॉम्पोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, डिटरमिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या पीएच है सॉइल का? थोड़ी अल्कलाइन होनी चाहिए। मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, उन सबसे डिसाइड होता है कि सॉइल जो है वो अच्छी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे हमारे चार फैक्टर। समझ आए सबको? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। जल्दी बताइए। डिपेंड करता है कौन से एरिया में हो, उसके हिसाब से सॉइल। फर्टाइल सॉइल जो होगी खाद वाली वो सबसे अच्छी होगी, क्योंकि वहां पे पेड़ उगने के ज्यादा जाना। अब सी कोस्ट की सॉइल की बात करें तो वहां तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी कम है, ग्रेन साइज बड़ा होता है बट एरी होती है वो। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। बेटा एक सेकंड, मैं एक लाइट बंद करके आती हूँ, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है पढ़ाते वक्त। एक सेकेंड आ रही हूँ मैं लाइट बंद करके। कान में पूरा सर 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 लगाया हुआ है इतनी देर से, लर हो गई। एक सेकेंड, आ आओ भाई चेतन मा। नाउ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, तो यहां पे हमारे कितने तरह के हैं, चले अब यहां पे देखते हैं। अब इस ग्राफ में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा। हमारे पास तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं नेचर में। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे पास? तीन तरह के ऑर्गेनिज्म है नेचर में। एक तो है हमारे कन्फर्मर्स, कौन से हमारे कन्फर्मर्स, एक है हमारे रेगुलेटर्स और एक है हमारे पार्शियल रेगुलेटर्स। क्या? हमारे पार्शियल रेगुलेटर्स। अब सबसे पहले आते हैं कन्फर्मर्स पे। कन्फर्मर्स वो है जो बेसिकली कांस्टेंट होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। नाउ होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस इज अ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अपने अंदर का एनवायरनमेंट, चाहे बाहर कुछ भी हो, बाहर आप पे मम्मी कितना भी गुस्सा कर रही हो, आपको अंदर ही अंदर ठीक है, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, दैट इज अ होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस कर रहे हम। ठीक है, अब वही हम रेगुलेटर्स की अगर बात करें तो रेगुलेटर्स क्या है, जैसे एनवायरमेंट वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अपने आप को एक कांस्टेंट बनाए रखते हैं। बट कन्फर्मर्स क्या है कि भाई अगर गुस्सा करें तो चिल्लाने लग जाएंगे। ठीक है, तो कन्फर्मर्स क्या है, ये मेंटेन नहीं कर पाते कांस्टेंट होम्योस्टेसिस। अनेबल, दे आर अनेबल टू मेंटेन कांस्टेंट होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या है, इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक है, यानी कि अगर इन्हें नमकीन पानी में डालेंगे तो ये नमकीन हो जाएंगे। ठीक है, बाहर गर्मी होगी तो इनका शरीर भी गर्म हो जाएगा। बट रेगुलेटर्स क्या होते हैं, चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी हो, अपन 37 डिग्री ही रहेंगे। बाहर चाहे नमकीन पानी हो, नॉर्मल पानी हो, अपन वैसे ही रहेंगे जैसे अपन है। ठीक है, सो दे आर एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट होमियोस्टेसिस। क्या मेंटेन कर रहे हैं? कॉन्स्टेंट होमियोस्टेसिस ये मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पार्शियल रेगुलेटर्स जो थोड़ा बहुत कर पाते हैं ऑफकोर्स। अब यहां पे देखते हैं क्या चीजें हैं, ध्यान से देखो। हैविंग रियलाइज दैट द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स मे वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम, वी नाउ हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन। But before attempting to answer,
दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई ऑल हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल. ये सब लाइनें आपको नहीं पढ़नी नीट के लिए, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक है, यस. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नाउ वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मेनी स्पीशीज वुड हैव इवॉल्व्ड रिलेटिवली कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट. नाउ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट के लिए वर्ड है होमियोस्टेसिस. That permits biochemical reaction, physiological function to proceed with maximal efficiency. This enhances the overall fitness of the species. The constancy, for example, they maintain the optimal temperature. ये अपने body का temperature constant रखेंगे. Osmotic concentration, body के fluids की osmolarity constant रहेगी. Ideally, then the organism should try to maintain the constancy of its internal environment. जिसे हम कहते हैं homeostasis. So when the temperature is 25 degree, wishes to maintain it so. Even when it is hot, they are cold outside. So it could be achieved at home in the car while traveling. तो ये है हमारा homeostasis. समझ में आया बच्चों ये सबको? What is homeostasis? क्या होता है homeostasis? जल्दी बताओ homeostasis क्या है? Maintenance of the constant body environment. अब आते हैं next. Now, कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोलारिटी? ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले रेगुलेटर्स. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेंटेन कर पाते कॉन्स्टेंट होम्योस्टेसिस. ठीक है, जैसे कि सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स, मैमल्स. बट बेटा बर्ड्स एंड मैमल्स को क्या खर्च करना पड़ता है टू मेंटेन दिस कॉन्स्टेंट बॉडी एनवायरमेंट? क्या खर्च करना पड़ता है? यस, बताइए. यहां पे दिस इज वेरी एनर्जी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस ये है. ठीक है, एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट सक्सेस ऑफ मैमल इज लार्जली ड्यू टू एबिलिटी टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन अंटार्कटिक और इन सहारा डेजर्ट. चाहे हम सहारा में रहें, अंटार्कटिका में रहें, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री ही रहेगा. यही एक रीजन है कि दैट वाई मैमल्स आर सो सक्सेसफुल ऑन लैंड. द मैकेनिज्म यूज बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर सिमिलर टू द वन दैट ह्यूमन यूज. यानी कि अगर अपन को ठंड लगेगी तो अपन क्या करेंगे? शिवर कांपना शुरू कर देंगे. ये तो पता ही होगा. तो यानी कि अगर ठंड लग रही है तो अपन क्या करेंगे? शिवर करेंगे. ठीक है, अगर गर्मी लग रही है तो क्या करेंगे? स्वेट करेंगे. गर्मी है तो क्या करेंगे? स्वेट करेंगे, पसीना छूटना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट. हम क्या करते हैं? पसीने छोड़ते हैं. वही टाइम है जब बहुत ही स्मेल आती है ना, पसीनों की. मेट्रो, अभी मेरे को पढ़ाने जाना है ना, तो अपन मेट्रो में ट्रैवल करते हैं. मेट्रो में लोग घुसते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, बस वहीं पे पड़ी मिलती हूँ मैं साइड में. यस, वहीं साइड में पड़ी हूँ, मिल जाऊंगी मैं आपको कभी. बाय यार, इतने सारे डीओज होते हैं. मेरी एक बस रिक्वेस्ट है, डीओज होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, इसलिए मैं लड़कियों वाले डब्बे में जाती हूँ. लड़कियां एक से एक परफ्यूम लगाती है, वो तो पूरा दिन लगाती रहती है. लड़की अपना पूरा दिन परफ्यूम लगाती रहती है बढ़िया से. यस, द रिजल्टिंग इवेपोरेटिव कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंड विद द डेजर्ट कूलर इन ऑपरेशन ब्रिंग्स डाउन द बॉडी टेम्परेचर इन विंटर. जब सर्दी लगती है, व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन द 37 डिग्री, वी स्टार्ट टू शिवर, अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है बच्चों, अरे रेजेस द टेम्परेचर पे नोरा किसने लिखा चैट बॉक्स में? हाँ नहीं तो नौरा किसने लिखा, पिटाई कर दूंगी मैं. चलो, प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म. प्लांट्स के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, तो दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंफर्मर्स. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे रेगुलेटर्स. सर्दियों में अपन कांपेंगे, गर्मियों में अपन स्वेट करेंगे, लोगों को भगाएंगे. ठीक है, अब आते कंफर्मर्स. कंफर्मर्स वो है बच्चों जो रेगुलेट नहीं कर पाते. दे आर नॉट एबल टू डू थर्मो रेगुलेशन, दे आर नॉट एबल टू डू ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है, यस. Now, overwhelming majority, 99% of animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment. कौन कौन constant internal environment नहीं maintain कर पाता? सारे plants, 99% of animals. ठीक है, their body temperature changes with the ambient temperature. बाहर ठंड, अपन ठंडे. बाहर गर्म, अपन गर्म. ठीक है, yes.
In aquatic animals, osmotic concentration of the body flow is changed with that of the ambient water. What are osmotic concentration? These animals and plants are simply conformers. जो बदल जाए वो कंफर्मर, जो बदल जाए वो क्या है? कंफर्मर. ठीक है. Now considering the benefits of constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers have not evolved. ये क्यों नहीं इवॉल्व हुए? पैसा ज्यादा लग रहा था ना, इसीलिए इसलिए ये इवॉल्व नहीं हुए. ठीक है. Now, sweat it out, resign themselves to suboptimal performance in hot summer month. तो अब ये क्या करते हैं? ये कहते हैं, देख भाई, गर्मी आ रही है, चलो सोने चलते हैं. That sleep, the summer sleep. अब ये क्या करेंगे? समर स्लीप. समर स्लीप क्या है बच्चों? ये अपने आप को रेगुलेट तो कर नहीं पाते, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो करें क्या? ये एक छोटा सा कोना, मैं बता दी कोना कौन सा होता है. ट्यूबलाइट होते हैं बेटा घर में, ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट का तार निकला होता है, वहां पे एक छोटी सी प्लेट लगी होती है. ठीक है. उस प्लेट के पीछे छिपकली का घर होता है, हर घर में यही होता है. ठीक है. वो जगह ठंडी है क्योंकि दीवार के अंदर है ना. यस, वहां जाके छिप सोती है ये. ठीक है. तो ऐसी एक समर स्लीप होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन. एक विंटर स्लीप भी होती है जब ये सर्दियों में जाके सो जाती है. ये जो विंटर स्लीप है इसे हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन. क्योंकि ये रेगुलेट कर नहीं पाते हैं तो ये भाग जाते हैं इन सब चीजों से. ठीक है. यस. अच्छा, आज ही मार दूंगा उन सबको. अच्छा, तू जा रहा है. अगर लाइट टूटी ना, तेरे पापा तुझे पीट रहे होंगे. चेतनवा, थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म. बहुत महंगा प्रोसेस है. ठीक है. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स. यहां से नीट का PYQ बनता हुआ. स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड्स. हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सर्फेस एरिया. यानी कि अगर सर्फेस एरिया ज्यादा है तो हीट लॉस ज्यादा होगा. क्या बोला मैम ने? अगर सर्फेस एरिया ज्यादा, मैम ने क्या बोला? अगर सर्फेस एरिया ज्यादा है तो हीट लॉस ज्यादा होगा. स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्जर सर्फेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम सिंस दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट इन कोल्ड आउटसाइड. That's why, जो इनका बॉडी साइज है वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा. ठीक है. सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स में छोटे एनिमल्स बहुत कम मिलेंगे क्योंकि उनके वहां से हीट लॉस ज्यादा होता है जब बाहर ठंडी होती है. ऐसे पोलर बियर देख लो, उसका शरीर मोटा होता है बट उसके कान क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ दे हैव इवॉल्वड एबिलिटी टू रेगुलेट Only over a limited range of environmental condition. समझ रहा है ये भी? अब आते हैं माइग्रेशन. अपन क्या है? माइग्रेशन क्या होता है बेटा? दूर चले जाओ, सारी चीजें छोड़ के. कभी कभी तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल नहीं आता, काश ये सब नहीं होता, अच्छा खासा गोवा जाता, पार्टी करता. बट नहीं, ये नीट एग्जाम आ गया, वरना गोवा जाता, मजा आता, पार्टी करता. दिस इज वॉट माइग्रेशन. जब भी कोई भी सिचुएशन खतरनाक सी आती है तो सबसे पहले हमारा एक बार तो ख्याल आता है कि क्यों क्यों कर रहे हैं हम ये सब, है ना? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? चलो गोवा चलते हैं सब. चलो, बुलावा आया है, 36 करोड़ देवियों ने बुलाया है, चलो आ जाओ. यही चीज है बच्चों. तो ऑर्गेनिज्म मूव अवे टेम्पररी फ्रॉम हॉस्टाइल एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन. इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, वो साइबेरिया से, रशिया के पास से कहाँ जाती है? क्योलाडो नेशनल पार्क में आ जाती है, जो कि हमारा भरतपुर में है. ठीक है, राजस्थान में. थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम फ्रॉम साइबेरिया ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरमेंट. ठीक है, आप अगर बनारस में रहते हैं तो वहां की जो गंगा है वहां पे तो बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी. ठीक है. यस, गौरी मैम ने बुलाया. अंकुश, इसके पापा को कॉल करो, इसके पापा को कॉल करो. इसके पापा को कॉल करो अंकुश के, जरूरत है. सर बता रही हूँ मैं तुम्हें, पापा फोन करो इसके. अब आते हैं सस्पेंशन. नाउ व्हाट इज सस्पेंशन? कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशंस को इग्नोर करते हैं. ठीक है. सस्पेंशन इज इग्नोरेंस, वी आर इग्नोरिंग थिंग्स. जैसे बैक्टीरिया, फंजी, लोअर प्लांट्स थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं एंसेस्टेशन विच हेल्प देम टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है. हायर प्लांट्स में जैसे सीड्स हो गए, सम ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए, सर्व एज मींस टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेसफुल बिसाइड्स हेल्पिंग इन डिस्पोजल.
तो यहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए बेसिकली क्या हो रहा है, इंसिस्टेशन हो रहा है, ठीक है. नाउ दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन. दे डू बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी गोइंग टू अ स्टेट कॉल्ड डॉर्मेंसी. जैसे सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, वो जिंदा है बट उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कंडीशन बाहर क्या है, अनफेवरेबल है, ठीक है. इन एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम. द फेमिलियर केस ऑफ बियर गोइंग इन टू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर, ठीक है. समर में कौन चली जाती है, समर में आ जाती है छिपकली, यस. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मेनी जू प्लांकटन स्पीशीज इन लेक्स पॉन्ड्स आर नोन टू एंटर डाइपॉज. तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया इंसिस्टेशन. जू प्लांकटन क्या कर रहा है, डाइपॉज. पोलर बेयर क्या कर रहा है, एस्टिवेशन. बस ऐसे प्लांट क्या कर रहा है, डॉर्मेंसी. बस इस तरीके से नोट कर लो, हो गए सारे पॉइंट्स कवर, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट, अडेप्टेशन. नाउ लेट्स कम टू अडेप्टेशन. क्या क्या अडेप्टेशन है बेटा, अडेप्टेशन सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल होती है, फिजियोलॉजिकल होती है, या सिर्फ बिहेवियरल होती है, या ऑल ऑफ दीज होती है. जल्दी बताइए व्हाट इज अडेप्टेशन. अभी मैं बताती हूँ अडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, दोनों शब्दों को अभी करेंगे हम. यस मैम, फिल्टर ऑन. बेटा फिल्टर मेरा चल ही नहीं रहा इतने टाइम से, ऐप ही खराब हो गई है मेरी, फिल्टर वाली नहीं चल रहा. कल भी चलाने की कोशिश की थी, नहीं चल रहा, तुमने नजर लगा दी. ऑल ऑफ दीज होती है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे तो बेटा मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल तीनों तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन. अब देखो ध्यान से, एक मैं बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जांपल तुम्हें बताती हूँ. मान लो कौन जाएगा इस बार शिमला, यस जो नोट्स बुक पे लिखे हैं यही दे दूंगी मैं तुम्हें, हाईलाइटेड, पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगी, चिंता मत करो, यही पढ़ के जाना है. आज हम बात करेंगे स्नेहा की और रितिका की, ठीक है. मान लो रितिका शिमला में रहती है, ठीक है, और स्नेहा रितिका से मिलने के लिए 4 दिन जाती है, कहाँ, शिमला, अकेले जाती है, ठीक है. अभी जो रितिका है जो शिमला में रहती है, उसके गाल कैसे होंगे, लाल, ठीक है. उसका स्टेमिना कैसा होगा, तगड़ा. वो होगी कैसी, पतली दुबली, क्योंकि वो पहाड़ों पे रहती है, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा खाती है, अच्छी सांस लेती है, इसलिए वो पतली दुबली हट्टी कट्टी होगी, ठीक है. उसके चेहरों पे लालिमा भी होगी, उसे लालिमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं पे अब जब हमारी स्नेहा जाती है कहाँ पे, शिमला, तो वहां पे जाते हैं, उसे पहले 2-4 दिन तो हाय कैसे रहती है यहाँ पे, यहाँ पे कैसे रहती है, यहाँ तो हटन सब चढ़ी रहे पहाड़ों पे. वो कहते हैं नहीं मेरे को तो आदत है, ठीक है, आओ दीदी आओ घर में बैठते. तो अब स्नेहा वहां जाती है, शुरू शुरू में स्नेहा को बहुत दिक्कत होती है, वो हाइपर वेंटिलेट करती है क्योंकि उसको सांस, ऑक्सीजन नहीं आ रही, क्योंकि पहाड़ों पे पाशे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है. तो पहले 3 दिन स्नेहा स्ट्रगल करती है, जो ये स्ट्रगल है ना अनन्या दीदी जैसा, उसको एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा, पहले 3 दिन जो स्ट्रगल हो रहा है अनन्या दीदी जैसा, उसको हम क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइजेशन. बट जो रितिका है जो वहां पे रहती है, वो अभी तक क्या कर चुकी है, अडेप्ट कर चुकी है. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कितना पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, वो अडेप्टेड है ऑलरेडी. तो जब आप एक नई जगह पे जाते हैं तो पहले 3 दिन आपको बहुत अजीब सा लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन. बट फिर आप वही क्यों होके रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. समझ में आया दोनों शब्दों का मतलब, दोनों शब्दों का मतलब समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में. तो अडेप्टेशन इसलिए मॉर्फोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है एंड बिहेवियरल होता है. अब यही अडेप्टेशन जो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, वो किसका है, कैंगरू रैट का. पहला एग्जाम्पल हमारा किसका है बच्चों, कैंगरू रैट. अगर कैंगरू रैट की बात करें तो एक डेजर्ट एनिमल है जो अमरीका में रहता है. इसमें पानी की कमी होती है, डेजर्ट में पानी की कमी होती है, इसे जीना है. तो जीने के लिए इसका लूप ऑफ हेनले का जो लेंथ है वो बेहद लंबा होता है, जिसके कारण ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है. इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है. क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. इस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से क्या होता है, पानी बनता है, और यही पानी ये यूज करता है. तो जो पानी से बाहर नहीं मिलता है, ये अपनी ही बॉडी में तोड़ता है किसको, फैट को. कहाँ तोड़ता है फैट को, माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ता है. किस प्रोसेस से तोड़ता है, बीटा ऑक्सीडेशन से. और वहीं पे क्या बनता है, हमारा पानी बनता है,
ठीक है, तो ये हमारा कैंगरू रैट। अब वहीं पे अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो डेजर्ट प्लांट्स में एक बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म चलता है, दैट इज कैम पाथवे। कौन सा बच्चों? कैम पाथवे, क्रॉसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इस पाथवे में खासियत क्या है, जेरोफाइट्स जैसे एलोवेरा, ओपंचिया, इन सब में चलता है। इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपर नहीं होते, नीचे की तरफ धसे होते हैं, जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो सके, वाटर लॉस कम हो सके। इनकी हर पत्ती पे थिक क्यूटिकल होता है पानी के लॉस को बचाने के लिए, ठीक है। लीव्स जो होती है दे आर कन्वर्टेड इन टू स्पाइन्स, तो जो इनका फ्लैटेन स्टेम है वो करता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसको क्या कहते हैं, स्टेम से याद रखना, स स क्लैड, क्लैड, सी सी स्टेम। तो जहां स्टेम इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फाइलोक्लेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है, जो मैमल्स है जैसे कि पोलर बेयर, सील्स, ये सब, इनके जो कान होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं टू रिड्यूस द हीट लॉस, दिस इज कॉल्ड एज एलन्स रूल। जो बहुत मोटी मोटी वेल होती है जो ठंडे पानी में रहते हैं, उनके पास एक बहुत मोटी चर्बी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लबर, जो प्रिवेंट करती है क्या, हीट लॉस, ठीक है। ऐसे ही जब हम रोहतांग पास जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उस टाइम पे स्नेहा फील्स हाइपोक्सिया। स्नेहा को कैसा फील हो रहा है, हाइपोक्सिया, यानी कि उसे लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फील हो रहा है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी चीज क्या फील हो रही है, एक तो कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, हाइपर वेंटिलेशन। सबसे पहले उसकी बॉडी का रिफ्लेक्स क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन, वो तेज तेज सांस से लेगी, उसकी बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जब वो वापस आएगी ना स्नेहा, तो उसके चेहरे पे लाली मां होगी, यानी उसके लाल लाल टमाटर जैसे क्या होंगे, गाल होंगे, ठीक है। यस, एक बात बताओ, हाइपोक्सिया नॉट एनोक्सिया, हमारे चैट बॉक्स में कितनी खुशी है भाई। यस बताइए कितनी है। कितनी खुशी है बेटा हमारे चैट बॉक्स में, 100-150 खुशियां तो होंगी पक्का। यस भाई साहब, सब लड़कियां मैम के चैट बॉक्स में, हम एक चैट बॉक्स में गर्ल्स पर, इवन मैं ऑफलाइन क्लास में जाती हूँ ना, वहां में मेजोरिटी गर्ल्स होती हैं। यस मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, अपन गर्ल्स आती हैं अच्छा लगता है, पता नहीं बॉयज क्यों नहीं आते हैं, पता नहीं, मेकअप करके नहीं आती ना इसलिए। कई बार लिखते हैं कि मैम आप पहले ऐसे थे ना, तब आते थे हम पढ़ने, नालायक कहीं पे, बेशर्म, पिटाई कर देनी चाहिए इन सबकी। थैंक्स गर्ल्स, यू आर माई लोब, तुम ही मेरी असली लोब हो, आई एम हैप्पी विद माई लोब, ट्रू लोब, ये बाकी सब तो नालायक है। यस चलो आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट। इन मोस्ट एनिमल्स मेटाबॉलिक रिएक्शन हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस, डीप हाइड्रोथर्मल बेंड्स। अब यहाँ पे और देखते बेटा क्या क्या वेरिएशन है। एक हमारे पास आर्की बैक्टीरिया है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं ये, एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे बहुत ही गर्म एनवायरमेंट में। फिर आते हैं हमारे इनवर्टिब्रेट्स जो कि हमें ग्रेट डेप्थ में मिल सकते हैं 100 टाइम्स, ठीक है। डेजर्ट लिजर्ड, अब डेजर्ट लिजर्ड बड़ी कमाल की चीज है, बाहर गर्मी और ठंड में इसका सारा काम चलता है। ये धूप में चली जाती है जब इसको ठंड लग रही होती है, ठीक है। जब इसको गर्मी लगती है तो ये पत्थर के नीचे आके शेड में रहने लगती है, बस यही ये काम करती है, हाइड एंड सीक खेलती रहती है पूरा दिन। सो दिस इज अबाउट द अडेप्टेशन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डन। यस तो मंजीत क्या कराऊं मैं, तो मुझे बताओ, नोट्स बनवाने हैं इसके सर, बताओ। मैं इकोलॉजी कभी नहीं बनाती नोट्स, मैंने इस बार पहली बार प्लस के बैच में इकोलॉजी के नोट्स बनवाए हैं सर, बता रही हूँ मैं कभी नहीं पढ़ाती इकोलॉजी नोट्स की फॉर्म में, कभी नहीं। एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज जो तुम देखते हो उसमें भी देखते होंगे, ऐसी पढ़ाई है मैंने पूरी इकोलॉजी। इवन जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी ना ये इकोलॉजी, तो मैं एनसीईआरटी लेके जाती थी और बच्चों को भी कहती थी अपनी एनसीईआरटी लेकर आना। क्या इसमें समझाने का है क्या, इसमें है कि बच्चों को इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताओ, उन्हें एग्जाम्पल्स बताओ जिससे कि वो याद कर ले, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ
और कुछ नहीं है भाई। और बाकी जो तुम्हें नोट्स चाहिए ना, देखो मैंने सारे साइड में लिखे हुए हैं, ये देखो सारे साइड में लिखे हुए हैं मैंने नोट्स, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस जिस पैराग्राफ के। अब आते हैं पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन जो है सिंगल स्पीशीज की होती है, मल्टीपल स्पीशीज की होती है? पहले तो ये बताओ पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन इज इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गई सिंगल स्पीशीज। अब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज, बट वी डू हैव सिंगल पीपल, राइट राइट है ना। मेजोरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स, साथ में रह के भी अकेले होने वो फ्रेंड्स होते हैं ना। आई टेल यू मैं तुम्हें असली दुख बताती हूँ। यस होता गया ना बेटा, 11th 12th में ना इन सब के जोड़े बन जाते हैं, लबी डबी वाले जोड़े बन जाते हैं। बट फिर आते हैं लेजेंड्स, जो सारे लबी डबी के बीच में अकेले बैठ के पॉपकॉर्न एंजॉय करते हैं कि आई एम एंजॉयिंग माय मूवी। कभी तुमने सोचा है कि व्हाई मैम रिलेट्स विद यू सो मच? यस आई हैव, तुम कहते हो ना हमेशा मैम को कैसे पता। आई नो बेटा ये दुख काहे खत्म नहीं होते। यस आई नो बेटा, अल्ट्रा लेजेंड्स जब सारे लबी डबी साथ में बैठे होते हैं ना, अपन एंजॉय कर रहे होते हैं। वैलेंटाइंस डे आते हैं ना, अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं, शायद कुछ हो जाए, बट होता नहीं है, सीधा होता है रक्षाबंधन वाले दिन जो होता है। यस तो भाई सिंगल इंडिविजुअल, जब भी ये वर्ड आता है मेरे को बहुत दुख होता है बेटा। फुल लाइफ नो सीन, यू नो इट हर्ट्स। चलो आ जाओ, मेजोरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स। ग्रुप्स तो आप समझ ही रहे होंगे बेटा, ठीक है। इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, ग्रुप्स में रहते हैं ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है बेटा। शेयर और कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, दे आर फाइटिंग फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। यस बेटा, पोटेंशियली इंटरब्रीड, ओ गॉड, दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। तो ये एक जगह पे रहते हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं, इंटरब्रीड भी करते हैं, उसे कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरब्रीडिंग क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉपुलेशन फॉर द स्टडीज पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। नाउ बेटा, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, पर कैपिटा बर्थ डेथ एक्सप्रेस आर चेंज इन नंबर इंक्रीज इन नंबर। अब यहाँ पे एक नीट का क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे देखिए बर्थ रेट। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है बेटा, भाई कौन स्पैम कर रहा है नालायक। बर्थ रेट की बात करते हैं बेटा, मान लीजिए 2021 में 20 गुलाब थे, देखा एग्जाम्पल भी गुलाब के लेते हैं, दर्द नहीं होगा दिल में, बताओ बेटा। आप चमेली भी तो ले सकते थे, नहीं गुलाब लेंगे दिखाने के लिए कि कौन सा महीना चल रहा है, बार बार हर्ट करते हैं। और 2022 में 28 हो गए गुलाब, ठीक है, बस गुलाब ही बढ़ रहे और तो कुछ बढ़ नहीं रहा। तो कितने नए गुलाब आए, 8 गुलाब आए, पहले कितने थे 20, तो यानी कि बर्थ रेट कितना है 0.4, ठीक है, कितना है बर्थ रेट 0.4। वहीं पे अगर डेथ रेट की बात करें, मान लो कि 4 मछलियां मर गई, पहले कितनी थी 40, 1/10 0.1 क्या हो गया हमारा डेथ रेट। यहीं पे लिखा हुआ है, अभी बता देती हूँ। अगर पॉन्ड में मान लो 20 लोटस है प्लांट्स, लास्ट ईयर थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स वर एडेड, नाउ टेकिंग द करंट पॉपुलेशन 28 वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज 8/28 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, इतना हमारा एडिशन हुआ। अब ये लोटस के फूल कहाँ काम आएंगे बताओ, दिवाली आने दो, 200 रुपए का लोटस देंगे, 200 रुपए का, सबको लगता है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर ही आएंगे और इसी लोटस पे बैठेंगे, इसलिए हर कोई उस दिन लोटस खरीद रहा होता है, सर बता रही हूँ तुम्हें। ऐसे भी डेथ रेट भी निकालेंगे, मान लीजिए अगर 4 इंडिविजुअल्स हैं इन अ लैबोरेटरी, 40 फ्रूट फ्लाइज डाई ड्यूरिंग, 40 में से 4 मर गई, तो 4/40 0.1 वॉज द डेथ रेट, ठीक है बच्चों। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, भाई कितने महिलाएं और कितने मेल्स हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, क्या होता है सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब मान लीजिए कि लड़कियां 800 हैं
और 1,000 लड़के हैं। तो आपको पता है ये लड़कियों का अपर हैंड है। तुम्हें फ्रेंड जोन करने में वो एक बार भी नहीं सोचेगी, क्योंकि उसको पता है ना हम कम हैं, लड़के ज्यादा है। इसलिए बेटा अगर सेक्स रेशियो बिगड़ जाता है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा बिगड़ती हैं लड़कियां, और सबसे ज्यादा खराब होती है जिंदगियां, क्योंकि फ्रेंड जोन हो जाते हो तुम एकदम से। ये बात मैं बताना चाह रही हूँ। एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और अ फीमेल, बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो एंड इट हैज टू बी सेम, जैसे कि केरला में, ठीक है ना बेटा। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। अब एजेस की बात करते हैं, हमारे पास तीन तरह के एज ग्रुप है। एक प्री रिप्रोडक्टिव, जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक है रिप्रोडक्टिव जो मचा रहे हैं, एक है पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो मचा चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास तीन एज ग्रुप्स है। तो इन तीन एज ग्रुप्स के नंबर पे हमारे पास तीन तरह के पिरामिड आते हैं। एक जो पहला पिरामिड है वो है एक्सपैंडिंग, यानी कि जहां पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, जैसे कि इंडिया और चाइना में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा तैयार हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा है, फिर मचाने वाले, रिप्रोडक्टिव वाले, और फिर आते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। तो जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले सबसे ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सच अ पॉपुलेशन इज पिरामिडल शेप्ड। कैसे बच्चों? ये हमारे पिरामिडल शेप्ड। एंड दिस टाइप यू फाइंड द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। ये आपको कहाँ मिलने को देखने को मिल जाएगा? इंडिया में। फिर आते हैं स्टेबल। स्टेबल पॉपुलेशन का अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल टू रिप्रोडक्टिव है, और ये दोनों ही ज्यादा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों से। तो ये जो शेप है ये कुछ बेल शेप्ड हमें दिख रहा है। कैसा ग्राफ हमें दिख रहा है बच्चों? बेल शेप। बेल शेप ग्राफ हमें किसमें देखने को मिलता है? जो कंट्रीज हमारी क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्वीडन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनमें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यस, अब आते हैं नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग। अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, इस ग्राफ को हम स्टडी करें, तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव वाले भी कम हैं, ठीक है। ये हमारे कम है, रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले भी कम हैं। तो यानी कि जो जवान लोग हैं सिर्फ वही ज्यादा है, बाकी छोटे भी कम है, बड़े बूढ़े भी कम है। तो ये जो ग्राफ है ये कैसा दिख रहा है हमें? अर्न शेप्ड। कैसा ग्राफ दिख रहा है बच्चों? दिस इज आर अर्न शेप्ड ग्राफ। सिंस इट सीम्स लाइक अर्न शेप्ड ग्राफ, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वॉर हिट कंट्रीज में। वॉर हिट कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सीरिया। क्या एग्जाम्पल है इसका? सीरिया, वहां पे, ठीक है। इसके अलावा भी एक और कंट्री है जहां पे प्यारे प्यारे लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि जापान, वहां पे देख रहा। तो ये तीन तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ है जो हमें देखने को मिलती है हमारे आसपास अपनी अपनी कंट्रीज में, ठीक है। यूक्रेन का तो मुझे पता नहीं क्या सिनेरियो चल रहा है। यस मैम, आपने एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लास नहीं लिया कभी? यूट्यूब पे आना भी तो चाहिए, आना भी तो चाहिए मुझे। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, बी द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विद अनदर स्पीशीज, द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडेटर और द इफेक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। आगे बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी करते हैं, क्या होता है। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? देखो बेटा, अब इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें इस टर्म को समझा रही हूँ। कुछ बच्चे यूपी में रहते होंगे, ठीक है। यस, कुछ बच्चे यूपी में रहते होंगे और कुछ हमारे बच्चे रहते होंगे मान लो बिहार में। नहीं, बिहार भी छोड़ो, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे झारखंड, ठीक है। अब होता क्या बेटा, यूपी में 17 करोड़ की आबादी है, यानी हर घर में मतलब 1 फुट में कितने लोग रह रहे हैं? दो। 1 फुट में मान लो 2 लोग रह रहे हैं, तो एक कमरे में मान लो 8 लोग हैं। दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी। वहीं पे अगर हम झारखंड देखें जहां पे बहुत खुला है, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहां पे माइट भी एक कमरे में एक बंदे की हो पॉपुलेशन डेंसिटी, समझ रहे हो। तो यानी कहाँ ओवर पॉपुलेटेड है हमारा? यूपी में। कहाँ ओवर पॉपुलेटेड है हमारा? यूपी में, ठीक है। तो दिस इज आर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा?
द मोस्ट पॉपुलेशन मतलब मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इज यूपी, क्योंकि वहां पे हर स्क्वायर फुट पे ज्यादा लोग रह रहे एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है? यस, इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ इफ देर आर 200 कैरेट ग्रास यानी पार्थीनियम प्लांट्स बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियन ट्री विद अ लार्ज केनोपी स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियन इज लो एज कंपेयर टू कैरेट ग्रास, तो ये होती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसी के ऊपर हमारे पास चार फैक्टर्स है पॉपुलेशन ग्रोथ के जो हमको पढ़ने हैं। पहला फैक्टर हमारा नेटालिटी, कितना बच्चा ऐड हो रहा है पॉपुलेशन में, मोर्टैलिटी कितने गुजर गए पॉपुलेशन से, इमिग्रेशन कितने देश छोड़ के निकल लिए बाहर, सॉरी कितने देश के अंदर आ गए, ठीक है? इमिग्रेशन इज ई एग्जिट, कितने देश छोड़ के निकल गए। तो अगर हम इसको देखें पॉपुलेशन डेंसिटी में नेटालिटी पॉजिटिव ऐड कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी, मोर्टैलिटी माइनस कर रहा है कम कर रहा है, इमिग्रेशन ऐड कर रहा है तो इमिग्रेशन सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हमारे पास दो तरह के ग्रोथ मॉडल्स हैं, एक एक्सपोनेंशियल एक हमारा लॉजिस्टिक। अब एक्सपोनेंशियल की अगर हम बात करें, रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। देखो बेटा एक्सपोनेंशियल क्या है, ये सोच है, क्या है सोच। मान लो हमने चेतनवा को, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए, तो चेतनवा क्या करेगा, खाएगा पिएगा ऐश करेगा कुंभकर्ण की तरह सोएगा सब कुछ करेगा, कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं, ठीक है, अनलिमिटेड मतलब पैसा ही पैसा, अंबानी जी के यहाँ भेज दिए इसको, पैसा पैसा, कोई रोक सकता है फिर इसको, कोई नहीं रोक सकता, मजे मजे पैसा ही पैसा, खूब बढ़िया पैसा पैसा, ठीक है। यस, ये हमारा एक्सपोनेंशियल, बट क्या ये रियलिस्टिक है, बिल्कुल नहीं। अब आ गया चेतन अपनी बैक टू रियल लाइफ, अब चेतन को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, चेतन को अब मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का फल उसे मिलेगा, ये चीज आ गई है। तो एक्सपोनेंशियल क्या है, जब फूड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इज एक्सपोनेंशियल मतलब अनलिमिटेड, यहाँ पे वर्ड है ना अनलिमिटेड, जब अनलिमिटेड होता है तो डार्विन कहता है कि भाई मचा दो, पॉपुलेशन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अब पॉपुलेशन साइज इज एन, बर्थ रेट एंड इज बी, डेथ रेट इज डी, देन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अ पॉपुलेशन इज डी एन बाई डी टी, बी माइनस डी इन टू एन, बी माइनस डी इज आर, so it is dn by dt equals to rn, where r is the intrinsic rate of natural increase, where r is the intrinsic rate, kitna hum increase kar sakte hain population ko, that is intrinsic rate of increase, theek hai, is a very important parameter chosen for assessing impacts any biotic abiotic factors on population growth. Now to give you the idea about the r value for the Norway rat, r is 0.015, for the flower beetle it is 0.12. In 1981 R value for human population is this. But R value kya hai? Intrinsic rate of natural increase. Now the above equation describe the exponential growth which is represented by a J shaped curve. ठीक है? अब आते हैं next. Next है हमारा, अरे वो कहाँ गया हमारा दूसरे वाला logistic, खा गई क्या NCERT? यहीं पे होगा जे शेप्ड वाला लॉजिस्टिक, ये होगा हमारा, हाँ एस शेप वाला। अब आते बेटे लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमारा कौन सा है, जहां पे हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम बस अपुन थक गया, आई नो बेटा, कोई नहीं बेटा कोई नहीं, थोड़ी सी और उसके बाद फिर कल कर लेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला, हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डोंट वरी, बट करना है आज, ठीक है। यस, ये हमारा जे शेप वाला एक्सपोनेंशियल वाला। नाउ एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी, वेयर एन एन टी इक्वल्स टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अब आते हैं नेक्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये कल कर ले क्या, कल कर ले इसको, बस अब हमारा इतना चैप्टर बचा है बेटा, कुछ तो इसमें इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, तो आज पढ़ाया तो सही, यस आज हमने पढ़ाया तो सही, बट समथिंग वॉज मिसिंग, ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे लगा।
वो तो मैं तुमसे पूछूंगी नहीं, अगर मुझे कल पढ़ाना होगा तो आई वॉन्ट आस्क यू, आई विल टेल यू। हाँ है ना, कुछ तो ऐसा लगा कॉलेज में, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो नया करना पड़ेगा कॉलेज पे। यस हाँ सही कह रहे हो यार। सब समझ आया, वो तो ठीक है, फिल्टर विल्टर नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा नया। हाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व तो ले लेते, आ जाओ ये तो कंप्लीट। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या है, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड बच्चों, ठीक है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तब हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं करते, रियलिस्टिक ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें डीएन बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के, जहां पे के क्या है हमारी मैक्सिमम कैरी कैपेसिटी, अगर इससे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी नाउ दिस विल कॉल फॉर अ नेचुरल कैलामिटी, ये होता है। अब हमारे पास एक आर सिलेक्शन है दैट इज रैपिड मल्टीप्लीकेशन, जो स्मॉल एनिमल्स यूनिसेलुलर में होता है, जो के सिलेक्शन है वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है, जो कि हमें हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। इसको कुछ करेंगे बेटा कल, इसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हाँ यस, तुम खुद पढ़ ले, बायो तो सब खुद ही पढ़ सकते हैं। यस बिल्कुल। कुछ तो करेंगे कल नए, कल हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे एंड आई मेक श्योर आई कम विद डिफरेंट तरीका ऑफ टीचिंग। यस कल हम इसको ना अलग तरीके से पढ़ेंगे एक और। अरे आईज बर्न कर रही है, पानी डालने ना लाए। यस एनिमेशन, पैसा लगता है उन सब में। नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ इसको करना पड़ेगा यार। हाँ यार अपन इंटरेस्ट डेवलप करना है। यस कैसे करेंगे, अब देखो ये एनसीईआरटी हाईलाइट में भी ना मैंने ऐसे ही पढ़ाया, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अलग तरीके से पढ़ा दिया, पढ़ाया ऐसे ही है, बट अपन कुछ चेंज करना चाहते हैं इस बार। ये तो ये हमारा बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स वाला। देन वी हैव लिमिटेड पीरियड फॉर दिस, कोटा में यू कैन एनरोल एंड दीज आर द डिफरेंट बैचेस, ठीक है। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, कल कल इसको पार्ट टू करेंगे एंड देन विल फिनिश इट ऑफ, कल हम इसको खत्म कर देंगे। कल मैं इसको खत्म करके इकोसिस्टम शुरू करेंगे। इकोसिस्टम तो छोटा सा चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन भी छोटा सा चैप्टर है, करना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलो बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं कल YouTube पे, ठीक है, चलो बाय बाय।